नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्कर द्विवेदी। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों के आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। रेलवे के मुताबिक जिस रूट पर हादसा हुआ वहां एंटी कोलिजन कवच सिस्टम मौजूद नहीं था। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। 4 गवाहों ने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इनमें ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए हाईकोर्ट ने 7 घंटे की जमानत दी थी। हालांकि वे नहीं मिल पाए। सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें सिर्फ घर जाने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली की जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल लड़की का आरोप है कि मंगेतर ने शारीरिक संबंध बनाया फिर उसे मांगलिक बताकर शादी से इनकार कर दिया। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कुंडली जांचने का आदेश दिया था। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ने ये मान लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था। ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में रॉयल ज्वेल्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह के सामने कोहिनूर सौंपने की शर्त रखी गई थी। अब जानते हैं वो खबरें जिन पर होगी आज हमारी नजर। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर सूरीनाम जाएंगी। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी। अब नजर उस खबर पर जो जरा हटके है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दुनिया का सबसे महंगा आम उगाया गया है। मियाजाकी नाम के इस आम की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। वहीं एक आम की कीमत 90,000 रुपए रखी गई है। आमतौर पर जापान में पाए जाने वाले इस आम का वजन 350 ग्राम होता है। कुछ पौधे झारखंड के जामताड़ा में भी लगाए गए हैं। आज के दिन का इतिहास क्या है आइए जानते हैं। 4 जून 1989 यानी आज ही के दिन चीन की राजधानी बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र समर्थकों ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध को दबाने के लिए चीनी सरकार के आदेश पर हुई सैन्य कार्रवाई में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर शामिल थे। ये विरोध प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव और सुधारवादी नेता हु याओबांग की मौत के बाद शुरू हुए थे। हु याओबांग को चीन की तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में विरोध के कारण पद से हटा दिया था जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अब जानते हैं कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। 3 राज्यों में लू की चेतावनी जारी की गई है। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं राजस्थान में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। केरल में भारी बारिश का अलर्ट है। और अब थॉट ऑफ द डे। अपने सपने के जितना करीब पहुंचेंगे आपका टैलेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।